हेलो गाइज, तो मैं अपने किचन गार्डन में आ गई हूँ। और देखिए यहाँ पे समर का वेजिटेबल लगा दिया गया है। ये आनियन है, आनियन का बेहन लाके मार्केट से लगा दिया गया है आनियन को। तो अभी इसको लगाए 2 दिन हुए, तो इसमें पानी भी डाल दिया गया। तो ये प्याज की रुपाई हो गई, और ये है धनिया, धनिया की क्यारी, और ये है मेथी। मेथी में बीज भी बनने लगे हैं, देखिए फलियां लगी हुई हैं। कैसे मेथी की फलियां लगी हुई हैं इसमें, और ये बीज के लिए हमने छोड़ दिया है, तो काफ़ी तेज़ी से फलियां लग रही हैं। तो ये जो इसको इतना हमने बीज के लिए छोड़ दिया, और ये धनिया है। तो धनिया देखिए डेली हार्वेस्ट करने के बावजूद भी कितना इसका अच्छा ग्रोथ है। तो धनिया किडनी डायबिटीज रोग में काफ़ी फायदेमंद है, इसके साथ ही साथ दिल के लिए और जितना भी वो है टॉक्सिन्स उसको निकालता है धनिया। तो यहाँ से मैं देखिए धनिया की जितना भी हार्वेस्ट करती हूँ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही हमको डेली 1 पाव मिल जाते हैं, 1 पाव के लगभग। 1 पाव मैं डेली तोड़ लेती हूँ, क्योंकि तोड़ूंगी नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। खाने वाला धनिया है, ना कि बीज वाला। तो ये इसमें सीड नहीं निकलेगा, सिर्फ पत्ते के लिए ये धनिया है। तो ऐसे में तो धनिया को आप लगाइए, खाइए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है धनिया, और ऑर्गेनिक भी है साथ में। तो धनिया का हमारे सेहत के लिए काफ़ी महत्व है, इसलिए धनिया का भरपूर यूज करिए। इसको पीस के चटनी या इसका जूस भी थोड़ा ले सकते हैं। और ये है हमारे पत्ता गोभी की क्यारी। तो देखिए यहाँ पत्ता गोभी भी लगी हुई है, और यहाँ से हमारे गांव का एक झलक। तो देखिए गेहूँ में बालियाँ किस तरह से बन चुकी हैं। बस 1-1.5 महीने और लगेंगे इसको तैयार होने में। तो हमारे गांव का एक देखिए सरसों पक चुके हैं खेतों में, वो भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। शाम का समय है, बहुत सुहावना लग रहा है। तो यहाँ मैं अपने किचन गार्डन में यहाँ कैबेज लगे हुए हैं, देखिए कैसे कैबेज बन रहे हैं। तो यहाँ से मैं हार्वेस्ट कर लूँगी कैबेज को। तो देखिए यहाँ पे है, ये बड़ा साइज है, इसको मैं ले लूँगी यहाँ से। तो ये देखिए हमने तोड़ लिया, और दूसरा ये एक और है, तो ये भी ले लेती हूँ, ये भी तैयार है। तो इसको भी हमने तोड़ लिया, हार्वेस्ट कर लिया। तो 1 पाव के लगभग धनिया भी हमने हार्वेस्ट कर लिया, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे हम अपने किचन वेस्ट और हमारे ये जो खेत से निकलता है वेस्ट मटेरियल, उसको यहाँ पे डाल के हम लोग इसका ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्यारी में भिंडी लगा दिया गया है, तो अभी भिंडी उगी नहीं है यहाँ पे। और ये टमाटर की क्यारी है, अब इसमें टमाटर भी बनने लगे हैं, टमाटर फलना शुरू हो गया है।
और ये चेरी का पौधा है। और ये है बैंगन, देखिए फूलों से भरा पड़ा है। और देखिए बैंगन भी लग रहे हैं कैसे, देखिए इसको हमने प्रूनिंग कर दी थी। तो प्रूनिंग करने से देखिए बैंगन कैसे, जितने भी फूल हैं सब बैंगन में बनते जा रहे हैं। तो प्रूनिंग करने का ये तरीका है, ऐसे ऊपर की पत्तियों को हम तोड़ देंगे यहाँ से, जिससे इसकी एनर्जी लास्ट ना हो। और ये बैंगन में, ये फूल है बैंगन में कन्वर्ट हो जाए। और ये ऑरेंज का पौधा, हमने ऑरेंज लगा दिए हैं। और ये देखिए क्यारी खाली है, इसकी गुड़ाई करनी है समर वेजिटेबल्स के लिए। और ये है मैंगो का पौधा। और ये है देखिए मूली। तो इसको भी मैं ले लूँगी यहाँ से। आलू के साथ बहुत अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी। और ये नींबू का पौधा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रही आज का वेजिटेबल। और यहाँ हमने शलजम उखाड़, देखिए यहाँ पे शलजम है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ।